तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग एक नया बुक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है दोस्तों। और यहाँ पर चैप्टर्स कितने ज्यादा होंगे ये डिपेंड करेगा इस बुक के परफॉर्मेंस पे, बिजनेस पे। जैसा चलेगी उस हिसाब से चैप्टर्स भी बढ़ते जाएंगे और हमारा बोझा भी। बाकी देखते हैं कि आगे कितने चैप्टर्स बढ़ने वाले हैं, इस बुक का बिजनेस कैसा होने वाला है, जिस वजह से अगर बिजनेस अच्छा हुआ तो चैप्टर्स ज्यादा होंगे, बिजनेस बेकार गया तो चैप्टर्स कम होंगे और हमारे लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी याद करने में चीजों को। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर्स बढ़े हैं और हमें ज्यादा चैप्टर्स देखने को मिले इस बुक में, क्योंकि चैप्टर्स जितने ज्यादा होंगे इस तरीके की बुक्स उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग एक मूवी जिसका नाम है यारा द रुतबा, ये एक पंजाबी मूवी है, इसके डे वन के थिएटर ऑक्यूपेंसी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जहां पर हम अगर मॉर्निंग से स्टार्ट करें तो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली है 5.67%। वहीं पर अगर हम बात करें आफ्टरनून शोज की तो यहां पर हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है 9.65%। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर इवनिंग शोज की तो यहां पर ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली है 6.90%। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं नाइट शोज की तो यहां पर हमें देखने को मिला है ऑक्यूपेंसी 8.12%। और इस तरीके से ओवरऑल यहाँ पर ऑक्यूपेंसी निकल कर आई है 7.59%, जो कि मैं इसको ठीक ही बोलूंगा, इतना ज्यादा बुरा नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो वो निकल कर आता है 25 लाख रुपीज, जो कि देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं इसको ठीक ठाक शुरुआत बोलूंगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ही ज्यादा बुरा भी नहीं, ठीक ठाक। लेकिन इस फिल्म को कम से कम 10% से ऊपर की ऑक्यूपेंसी दिखानी पड़ेगी। और कम से कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म को कम से कम 50 लाख का बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, मतलब डे वाइज, मतलब हर दिन कम से कम इस फिल्म को 50 लाख कमाने ही पड़ेंगे अगर इस फिल्म को बहुत ही जल्दी क्विकली अगर अपना बजट रिकवर करना है और रिक्स लेने के चांसेस को थोड़ा सा कम करना है तो। क्योंकि इस फिल्म के बजट की अगर मैं बात करूं तो फिल्म का बजट यहां पर निकल कर आता है 8 करोड़ रुपीज, जो कि देखा जाए तो बहुत बड़ा यहाँ पर अमाउंट कॉस्ट हमें देखने को मिलता है बजट का। तो उसी वजह से अगर इस फिल्म को जल्द से जल्द अपना बजट रिकवर करना है और हिट और सुपर हिट होने की रेस में अगर भागना है तो इस फिल्म को कम से कम 50 लाख का बिजनेस डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि फिल्म के बजट रिकवर करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे और उस वजह से ये जो फिल्म है बहुत आसानी से बजट भी रिकवर कर लेगी। और शायद बाकी तो ये फिल्म जो है वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए, मतलब ओवरसीज वगैरह से, तो कहीं ना कहीं अपना बजट रिकवर कर ही लेगी। पर मुझे लगता है कि इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए अगर ये फिल्म अपना बजट रिकवर कर ले और एक हिट का टैग ले ले तो ज्यादा बेटर होगा, ना कि इधर उधर के कलेक्शन को जोड़ के। तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि फिल्म जो है वो इंडिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जरिए ही अपना बजट भी रिकवर कर ले और सुपरहिट का टैग भी ले ले, तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। चुहार।